हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज भी हम भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषताएं हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। कल जैसे हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है। अनेक देशों के संविधानों की तरह भारतीय संविधान भी लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की एक और विशेषता हमने कल पढ़ी थी कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संविधान है। भारतीय संविधान समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की भी अपनी एक विशेषता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में जहां तहां हमें धर्मनिरपेक्षता के तत्व देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली से युक्त संविधान है। इन सारी विशेषताओं का अध्ययन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली का अध्ययन भी हम कल कर चुके हैं, यानी कि भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का अद्भुत समन्वय हमें भारतीय संविधान में के अंतर्गत देखने को मिलता है। आज हम भारतीय संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इन विशेषताओं के अंतर्गत हम यदि देखें तो भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों का समन्वय हमें भारतीय संविधान में देखने को मिल जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली से युक्त या संघात्मक शासन से युक्त एकात्मक लक्षण से युक्त एकात्मक लक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये हम कैसे कह सकते हैं? भारतीय संविधान में प्रथम अनुच्छेद, इसमें ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली के सारे लक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षण क्या है वो हम भारतीय संविधान के अंतर्गत देखेंगे। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत यदि हम देखें तो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भी केंद्र का अपना एक शासन पद्धति है और राज्यों की अपनी एक शासन पद्धति है। संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्यों को शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो शक्तियों का दोहरा विभाजन संघात्मक शासन का एक लक्षण है। संघात्मक शासन का दूसरा लक्षण यदि हम देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक कठोर संविधान, कठोर और लिखित संविधान होता है। भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है और भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रणाली है उसमें कुछ जो लक्षण है उसमें कुछ जो अनुच्छेद है उसमें कठोरता का पालन किया गया है। इसके अलावा संघात्मक शासन प्रणाली के लिए एक आवश्यक लक्षण ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है, यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत यदि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस विवाद की स्थिति का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता होती है संघात्मक शासन के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के तीनों ये जो प्रमुख लक्षण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक शासन के लक्षणों से युक्त है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ एकात्मक लक्षणों को भी संविधान में स्थान दिया है। एकात्मक लक्षणों में क्या स्थान दिया है वो अपन कह सकते हैं कि जैसे संघात्मक शासन के अंतर्गत दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र की नागरिकता एक राज्यों की नागरिकता। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की जो नागरिकता है वो अलग अलग प्रदान नहीं की गई है बल्कि एक ही नागरिकता है। हम सभी भारत के ही नागरिक है, अपने अपने राज्यों के नागरिक नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एकात्मक लक्षणों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यों में जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी एकात्मक लक्षण है। इसके अलावा यदि हम देखें तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, निर्वाचन आयोग है, एकीकृत न्याय प्रणाली है। इन सभी लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक लक्षण भी है। इसके अलावा जब आपात की स्थिति उत्पन्न होती है, आपातकाल होता है 352 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत, 360
352, 356, 360 इनके अंतर्गत यदि आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो संपूर्ण भारत संघात्मक लक्षण खत्म हो जाता है और एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था को एकात्मक लक्षणों से युक्त अपनाया गया है। इसीलिए दुर्गादास जो बसु है उन्होंने ये कहा था कि भारत का जो संविधान है न तो संघात्मक है न एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप है। अम्बेडकर जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हमने अपने संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला है। संघात्मकता के तंग ढांचे का मतलब ये है कि हमने पूर्ण रूप से संघात्मक स्वरूप को ग्रहण नहीं किया है, हमने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ एकात्मक लक्षण भी ग्रहण कर लिए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक लक्षण है, लेकिन कुछ हमने एकात्मक लक्षणों को भी उसमें शामिल कर लिया है। तो भारत का संविधान की ये नेक्स्ट विशेषता है, संघात्मक लक्षणों से युक्त एकात्मक शासन। यदि हम अन्य विशेषता देखें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं में हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता और न्याय। भारतीय संविधान में नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। भारत ने चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था ग्रहण की, संसदात्मक शासन व्यवस्था ग्रहण करने के कारण संसदीय प्रभुसत्ता को अपनाया। दूसरा, भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था ग्रहण की तो न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया। या तो कहीं पर संसदीय प्रभुसत्ता होती है या न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में इन दोनों का समन्वय स्थापित किया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संसद की प्रभुसत्ता है, यानी कि संसद संविधान के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को उस सीमा तक नहीं अपनाया है जहां तक ब्रिटेन में संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ब्रिटेन के अंतर्गत यदि हम देखें तो संसद वहां पर सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि वहां एक तो अलिखित संविधान है, दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। भारत में ये दोनों चीजें नहीं है, संघात्मक शासन है, जो संविधान है वो लिखित रूप है, दूसरा न्यायिक सर्वोच्चता है या न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति है, जिसके कारण से संसदीय प्रभुसत्ता उस स्थिति में सर्वोच्च नहीं है जहां ब्रिटेन के अंतर्गत संसदीय प्रभुसत्ता को अपनाया गया है। तो भारत में संसदीय प्रभुसत्ता को अपनाया गया है, संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कानून बना सकती है, लेकिन संसद के बनाए हुए कानूनों की जांच करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को यदि ये लगता है कि संसद किसी ऐसे विषय जो संविधान के विपरीत है कानून बनाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित करने की शक्ति रखता है। तो जहां एक तरफ संसद सर्वोच्च है, वहां सर्वोच्च न्यायालय संसद के ऊपर नियंत्रण रखने की शक्ति है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। दूसरा, संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अपने कानूनों के आधार पर उसको परिसीमित कर सकती है। तो दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो भारत ने न तो इंग्लैंड के संविधान की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है, न ही अमेरिका के संविधान की तरह न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है, बल्कि भारत ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उन दोनों का, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता, दोनों के सिद्धांतों का समन्वय स्थापित किया है। दुर्गादास बसु ने यह कहा था कि भारत ने अद्भुत ढंग से इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में अद्भुत ढंग से समन्वय स्थापित किया है। तो ये भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता थी। भारतीय संविधान की अन्य विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य इन दोनों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की व्यवस्था भी संविधान के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद भाग 3
में मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है। मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी प्रत्येक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। जब कौन कौन से यदि हम देखें तो मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय को प्रदान किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, इसके बाद शिक्षा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब भारत का संविधान बना था तो संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था, लेकिन संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब भारत, पहले जब संविधान बना था 7 मौलिक अधिकार थे, अब प्रत्येक भारतीय को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संपत्ति का, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अधिकारों में किसी भी प्रकार का हनन होता है राज्य सरकारों के द्वारा भी और व्यक्ति के द्वारा भी, यदि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में इसके लिए याचिका दायर कर सकता है और न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है और प्रत्येक नागरिकों के न्यायालय की सुरक्षा प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए हर एक देश का संविधान जैसे प्रदान करता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों के साथ ही भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है, मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। कर्तव्य, एक देश के नागरिक होने के कारण हमारे अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति, अपने देश के जो स्मृति चिन्ह है उनके प्रति, उनकी धरोहर के प्रति, इनका हमारा एक कर्तव्य होता है। तो वो मौलिक कर्तव्य 1942 के संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। इसी 10 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय यदि हम देखें तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करे, ये मूल कर्तव्य बनाए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो ये संविधान का नेक्स्ट विशेषता थी। संविधान की नेक्स्ट विशेषता यदि भारतीय संविधान की देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक, भारतीय संविधान के नेक्स्ट विशेषता देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हालांकि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक बाध्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये राज्य के लिए निर्देशक है, यानी कि राज्य अपनी नीतियों का निर्माण इन निर्देशक तत्वों के अनुसार करेंगे। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत यदि हम कुछ देखें तो इसके अंतर्गत जैसे 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, समान नागरिक संहिता की व्यवस्था है, पर्यावरण की सुरक्षा की व्यवस्था है, मद्य निषेध है, इस प्रकार के अनेक प्रकार के खादी निर्माण है, इस प्रकार के अनेक निर्देशक तत्वों के वर्णन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत
किया गया है। इसके अंतर्गत यदि हम देखें जी एन जोशी की एक कोटेशन देखें तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो तत्व है वो आधुनिक प्रजातंत्र के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक इस तरह के सिद्धांत बनाए गए हैं जिसे राज्य अपनी इस नीति का निर्माण करता है। श्री एम सी छागला एक न्यायविद न्यायाधीश थे, उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए कहा था कि यदि राज्य इन सिद्धांतों के आधार पर वास्तव में चले तो भारत स्वर्ग बन सकता है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में न्यायिक बाध्यता नहीं है, न्यायिक बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करने में इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुसार अपनी नीतियों का निर्माण करता है। तो ये राज्य की नेक्स्ट विशेषता थी। नेक्स्ट इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की एकल नागरिकता। भारतीय संविधान संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन होने के कारण भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए थी, लेकिन भारत के संविधान निर्माताएं उस समय चूंकि भारत 1947 के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तनाव की स्थिति थी, इसलिए भारतीय संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत में एकता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय अपने को किसी क्षेत्र विशेष का नागरिक नहीं मानते हुए पूरे भारत का नागरिक माने, इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को एक ही नागरिकता प्राप्त है, एकल नागरिकता। अभी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उनके देश की अपनी नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन वर्तमान समय अनुच्छेद 370 हट गया है और इसके कारण अब जम्मू कश्मीर के नागरिक भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है, बल्कि वो भी भारत के ही नागरिक हैं। तो संपूर्ण भारत में एक हरी नागरिकता या एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की नेक्स्ट यदि हम विशेषता देखें तो नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका एवं स्वतंत्र अभिकरण। भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाना क्यों आवश्यक था, इसके दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण यह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? मौलिक अधिकारों की रक्षा कई बार सरकार के द्वारा भी मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, कई बार नागरिकों के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। दूसरा, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, लेकिन कई बार शक्तियों के विभाजन के ऊपर ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केंद्र और राज्य दोनों में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। इन दोनों महत्वपूर्ण कारणों से भारतीय संविधान के द्वारा भी स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के कारण ही वो जहां मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है, वहीं केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए भी सक्षम है। स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, तो उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाने के लिए भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, यानी कि उनकी नियुक्ति पर किसी और का कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं। दूसरा, उनकी स्वतंत्रता के लिए व्यवस्था की गई है कि उनके कार्यकाल के अंतर्गत उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। तीसरी, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि उनके अपने पद पर सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी कि न्यायाधीशों को उनके पद की सुरक्षा भी प्रदान की गई है, यानी कि न्यायाधीशों को महाअभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है, महाअभियोग के बिना
उनको हटाया नहीं जा सकता, यानी कि उनको अपने पद की सुरक्षा है तो वो निर्भय रहकर अपना कार्य कर सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा संसद के अंतर्गत न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विचार विमर्श नहीं हो सकता है। तो इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि न्यायाधीशों को अपने पद से सुरक्षा, उनके वेतन में सुरक्षा, उनके आचरण में किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं हो सकता, उनकी नियुक्ति, इन सभी कारणों से न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, निर्भय होकर कार्य कर सकते हैं। न्यायाधीशों न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ स्वतंत्र अभिकरण भी बनाए गए हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है स्वतंत्र है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो स्वतंत्र है, तो निर्वाचन आयोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, लोक सेवा आयोग है, ये स्वतंत्र अभिकरणों की भी व्यवस्था की गई है ताकि शासन व्यवस्था स्वतंत्र रूप से निर्भीक रहकर कार्य कर सके और भारतीय संविधान सुचारू रूप से संचालित हो सके, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं संविधान के अंतर्गत की गई है ताकि भारतीय संविधान एक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। भारतीय संविधान की और भी विशेषताएं हैं, उसका हम कल और वर्णन करेंगे।